सॉरी ओवन कैविटी में जो भी हम फूड पकाने के लिए गर्म करने के लिए रखते हैं, अगर लिक्विफाइड रूप में हम रख रहे हैं तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के कारण वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है और हीट उत्पन्न होने से वह जो हमने फूड रखा हुआ है पकने के लिए वह पक जाता है। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको मैग्नेट्रॉन का और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। आपको मैग्नेट्रॉन के ऊपर एक थर्मोस्टेट लगा रहता है जो कि क्या करता है, आपका सेंस करता है, जैसे हीट हो जाता है ज़्यादा तो वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है, थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और मैग्नेट्रॉन एक ट्यूब की तरह काम करता है, वैक्यूम ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और उसमें मैग्नेट्रॉन में ही मैग्नेटिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, हाई इलेक्ट्रोवेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे माइक्रोवेव जनरेट हो जाती है और अंदर अपनी एक ट्यूब की सहायता से माइक्रोवेव अपने बेसिन में वहाँ पे जाने लगती है माइक्रोवेव, और जिसके कारण रेडिएशन के कारण वहाँ पे खाना अपना पकने शुरू हो जाता है। और इसमें मैग्नेट्रॉन में एनोड की वजह से हमारा जो पार्ट्स है वो ओवन कैविटी कहलाता है, एनोड की प्रेजेंस के कारण ओवन कैविटी अपन उसको कहते हैं। और इसके आगे का टर्न टेबल वगैरह का मैडम ना डालें और उसको अच्छे ढंग रखना है ताकि परेशानी ना हो। कैन आई करेक्ट